हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम 1959 में हुए कैंडिडेट्स टूर्नामेंट की है और ये गेम खेली गई थी पॉल कैरिस और बॉबी फिशर के बीच में। और फ्रेंड्स, मुझे इस गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कृष्ण शिकरवार जी ने कहा था। तो आइए फ्रेंड्स, सीधा इस गेम पर चलते हैं। यहाँ गेम की शुरुआत की पॉल कैरिस ने e4 के साथ, तो बॉबी फिशर ने रिप्लाई दिया सिसिलियन डिफेंस से c5, देन नाइट f3, d6, d4, c takes d4, knight takes d4, then knight f6, तो knight c3। और फिशर ने यहाँ a6 करके सिसिलियन डिफेंस का नेजरोव वेरिएशन को इनिशिएट किया। बिशप g5, नाइट पर अटैक तो e6, देन f4, बिशप e7, क्वीन f3, क्वीन c7। और इसके बाद यहाँ वाइट ने कैसल किया लॉन्ग साइड, नाइट b goes to d7, देन बिशप e2, b5, बिशप टेक्स f6, नाइट टेक्स f6, देन e5, नाइट पर अटैक, या मैं कहूँ डिस्कवर्ड अटैक ऑन दिस रुक। क्या शानदार अटैक है, लेकिन बॉबी फिशर के पास इसका एक काफ़ी सिंपल डिफेंस। उन्होंने यहाँ अपने बिशप को b7 स्क्वायर पर रखकर वापस इस क्वीन पर अटैक बनाया। और अब यहाँ वाइट को क्या करना चाहिए, आई थिंक फ्रेंड्स वाइट को यहाँ अपनी क्वीन को g3 स्क्वायर पर बचा लेना चाहिए था। और अगर हम यहाँ से इस गेम को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं तो इसके बाद d takes e5, देन f takes e5, और फिर यहाँ ब्लैक अपने इस नाइट को बचा सकता था। आई थिंक बेटर स्क्वायर इज़ d7। वो यहाँ वापस इस e5 स्क्वायर पर अटैक बना सकता है। और अब अगर यहाँ वाइट करे queen takes g7, रुख पर अटैक बनाए, तो इसका डिफेंस काफ़ी सिंपल है queen takes e5। मटेरियल एक्सचेंज भी इक्वल रहा और वाइट अब यहाँ ब्लैक के इस रुख को भी हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन यहाँ ये गेम इस तरह से नहीं खेली गई थी। पॉल कैरिस ने यहाँ काफ़ी बड़ा रिस्क लिया। उन्होंने यहाँ किया e takes f6 और अपनी क्वीन को सेक्रीफाइस कर दिया। और फ्रेंड्स, यहाँ उन्होंने क्या कैलकुलेशंस की होंगी। बॉबी फिशर ने यहाँ किया bishop takes f3, तो bishop takes f3 वापस रुक पर अटैक। और अब यहाँ ब्लैक क्या कर सकता है इस रुक को बचाने के लिए, आई थिंक ब्लैक को यहाँ करना चाहिए था और कर भी सकता है d5। लेकिन अभी इस सिचुएशन में ब्लैक का ये बिशप रिस्क पर है, तो वाइट यहाँ कर सकता है bishop takes d5। वो यहाँ एक एक्स्ट्रा पॉन जीत सकता है, इनफैक्ट दो पॉन्स वाइट यहाँ जीत सकता है। क्योंकि अगर यहाँ ब्लैक करे e takes d5, तो उसके बाद knight takes d5, क्वीन पर अटैक और साथ में बिशप पर भी, तो क्वीन c4। और फिर यहाँ वाइट इस बिशप को बेटर है कि अपने पॉन से ले f takes e7, देन queen takes d5। लेकिन यहाँ इस पोजीशन से ब्लैक पहले कर सकता है queen takes f4 चेक, और वाइट को ये चेक बचनी होगी, तो king b1, e takes d5, f takes g7, rook g8, देन knight takes d5, क्वीन पर अटैक, तो queen g4, knight c7 चेक, किंग रुक पर फॉक, king d7, knight takes 8, rook takes 8। और अभी भी यहाँ वाइट के पास एक डिस्कवर्ड अटैक की ऑप्शन है। तो यहाँ इस पोजीशन से अगर बॉबी फिशर इस डी पॉन को आगे पुश करें, तो आई थिंक ये मूव शायद बैकफायर कर सकता था। तो उन्होंने यहाँ पहले किया bishop takes f6, और उन्होंने यहाँ इस अपने रुक को जाने दिया, क्योंकि उन्हें यहाँ ऑलरेडी काफ़ी बेनिफिट हो चुका है। वो यहाँ वाइट की क्वीन तो ले ही चुके हैं, तो मटेरियल एक्सचेंज को वो बैलेंस रख सकते हैं bishop takes 8। और इसके बाद यहाँ फिशर ने किया d5, और अब यहाँ इस बिशप को वापस जाने के लिए कहीं भी कोई स्क्वायर नहीं है, तो उन्होंने यहाँ किया bishop takes d5। और अगर यहाँ फिशर करें e takes d5, तो उसके बाद knight takes d5, क्वीन पर अटैक, और जब तक ब्लैक अपनी क्वीन बचेगा तब तक वाइट ब्लैक का पॉन स्ट्रक्चर ख़राब कर चुका होगा। तो यहाँ इस पोजीशन से फिशर ने पहले किया bishop takes d4, rook takes d4, देन e takes d5, knight takes d5, क्वीन पर अटैक, तो queen c5। रुक को यहाँ चैलेंज किया फिशर ने, लेकिन पॉल कैरिस ने यहाँ पहले किया rook e1 चेक, अदरवाइज ब्लैक अगले मूव में यहाँ ज़रूर कैसल ही करता, तो king f8, देन c3। और फ्रेंड्स, यहाँ इस पोजीशन में अगर हम दोनों खिलाड़ियों के मटेरियल्स को कंपेयर करें, तो वाइट के पास यहाँ इस क्वीन के सामने ये दो रुक्स हैं, लेकिन ब्लैक के पास यहाँ इस नाइट के सामने एक रुक भी है। और अगर हम पॉन की बात करें, तो वाइट एक पॉन एक्स्ट्रा है। तो ओवरऑल इस पोजीशन को मैं इक्वल ही कंसिडर करूँगा, लेकिन वाइट के पीसेज यहाँ ज़्यादा एक्टिव हैं। तो फिशर ने यहाँ किया h5, देन f5, ताकि ब्लैक यहाँ अपने इस g पॉन को आगे पुश ना कर सके, रुक h6।
क्योंकि आखिरकार फिशर को भी तो अपने इस रुक को गेम में एक्टिव करना था। देन एफ सिक्स, जी टेक्स एफ सिक्स, नाइट एफ फोर, और फिर दोबारा पॉल कैरिस ने फिशर के रुक को एक कॉर्नर में ही प्लेस रखा ताकि ये रुक यहाँ किसी अग्रेसिव स्क्वायर पर ना प्लेस हो सके। देन एच फोर, डी एट चेक, किंग जी सेवन, रुक एट ई गोज टू ई एट, और फ्रेंड्स यहाँ पॉल कैरिस ने डायरेक्ट चेक मेट की थ्रेट दिया। अगले दो या तीन मूव में यहाँ फिशर को चेक मेट हो सकती है, लेकिन फिशर ने यहाँ पहले किया क्वीन जी वन चेक, तो किंग डी टू, क्वीन एफ टू चेक, नाइट ई टू। इस चेक का ये सबसे बेटर डिफेंस है रुक जी सिक्स। ब्लैक ने अपने इस क्वीन के लिए थोड़ी जगह बनाई, और अब अगर यहाँ वाइट चेक दे रुक जी एट चेक, तो उसके बाद किंग एच सिक्स, देन रुक एच एट चेक, और फिर ब्लैक अपने किंग को यहाँ इस फोर्सफुल चेकमेट से बचा सकेगा किंग जी फाइव। लेकिन अब यहाँ वाइट चेक क्यों देने लगा, उन्होंने यहाँ किया जी थ्री, देन एफ फाइव, रुक जी एट चेक, किंग एफ सिक्स, रुक टेक्स जी सिक्स चेक, एफ टेक्स जी सिक्स, जी टेक्स एच फोर, तो क्वीन टेक्स एच टू, रुक डी फोर, देन क्वीन एच वन, क्वीन सी टू, किंग ई फाइव, देन ए फोर। यहाँ वाइट पॉन एक्सचेंज करके अपने यहाँ एक पासर को क्रिएट करना चाहता है, लेकिन फिशर ने यहाँ किया क्वीन एफ वन, नाइट पर अटैक बनाया, तो नाइट सी वन, क्वीन जी टू चेक, तो अब ये किंग कहाँ जाए। अगर ये वाइट यहाँ अपने किंग को डी वन स्क्वायर पर लेकर जाए तो ब्लैक यहाँ इस बी टू पॉन को इजीली ले सकता है। तो वाइट ने यहाँ किया किंग बी थ्री, तो बी टेक्स ए फोर चेक, किंग ए थ्री, देन क्वीन सी टू, नाइट पर अटैक, और अगर यहाँ वाइट ने अपने इस नाइट को बचाया तो ब्लैक यहाँ चेकमेट कर देगा, लेकिन पॉल कर इसको ट्रैप करना इतना आसान नहीं है। यहाँ वाइट ने किया नाइट डी थ्री चेक, तो किंग एफ सिक्स, देन नाइट सी फाइव, और यहाँ वाइट ने अपने इस बी थ्री स्क्वायर को सिक्योर किया क्वीन सी वन, और ब्लैक का इरादा शायद एक चेक देने का रहा होगा। और अगर ब्लैक इस ए पॉन को भी आगे पुश कर दे तो उसके लिए बेटर हो सकता था, लेकिन वाइट ने यहाँ पहले किया रुक टेक्स ए फोर और क्वीन ए वन की चेक को यहीं ख़त्म कर दिया, तो क्वीन ई थ्री, और अब यहाँ वाइट इस ए सिक्स पॉन को कैसे ले, अपने नाइट से या फिर अपने रुक से। अगर यहाँ वाइट करते हैं रुक टेक्स ए सिक्स चेक, तो किंग जी सेवन, नाइट ई सिक्स चेक, किंग एच सिक्स, देन नाइट डी फोर, और फ्रेंड्स आई थिंक ये पोजीशन वाइट के लिए पहले के मुकाबले ज़्यादा बेटर होती। यहाँ इस पोजीशन से वाइट ने किया था नाइट टेक्स ए सिक्स, और इसके बाद यहाँ ब्लैक को मौका मिला अपने इस एफ पॉन को क्वीन बनाने की कोशिश करने का। उन्होंने यहाँ किया एफ फोर, देन रुक डी फोर, और आई थिंक फ्रेंड्स यहाँ फिशर को अपने इस एफ पॉन को ही आगे पुश करने पर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन फिशर ने यहाँ किया किंग एफ फाइव, और यहाँ इस पॉइंट पर वाइट का ये नाइट काफ़ी दूर है, क्योंकि अगर ब्लैक ने एफ पॉन आगे पुश किया तो वाइट इस पॉन को रोक नहीं पाएगा। तो आई थिंक फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट से वाइट को अपने नाइट को थोड़ा सेंट्रलाइज करने की कोशिश करनी चाहिए थी, उन्हें यहाँ अपने नाइट को सी फाइव स्क्वायर पर लेकर जाना चाहिए था, और अगर यहाँ ब्लैक करें एफ थ्री, देन नाइट डी थ्री, देन एफ टू, नाइट टेक्स एफ टू, और वाइट को इस पॉन को रोकने के लिए अपने नाइट को सेक्रीफाइस करना ही पड़ता। लेकिन यहाँ वाइट अपने नाइट को मूव तो किया पर बी फोर स्क्वायर पर, तो क्वीन ई सेवन, नाइट को यहाँ पिन किया, तो किंग बी थ्री, क्वीन टेक्स एच फोर, और ब्लैक के पास यहाँ ये दो कनेक्टेड पासर्स आ चुके हैं। हालांकि फ्रेंड्स आप कह सकते हैं कि वाइट के पास भी हैं, लेकिन वाइट के पॉन्स क्वीन बनने से भी काफ़ी दूर हैं। पॉल कैरिस ने यहाँ किया नाइट डी थ्री, देन जी सिक्स, एफ फोर पॉन को डिफेंड किया, देन सी फोर, क्वीन जी थ्री, सी फाइव, एफ थ्री, और अगर यहाँ वाइट करे सी सिक्स अपने इस पॉन को ही आगे पुश करे तो उसके बाद क्वीन सी सेवन, देन रुक सी फोर, और इसके बाद यहाँ ब्लैक जी फोर करके अपने इन दो पॉन्स को आगे निकाल ही लेगा। तो वाइट ने यहाँ पहले किया किंग सी फोर, देन एफ टू, नाइट टेक्स एफ टू, क्वीन टेक्स एफ टू, और अब यहाँ वाइट क्या करे बी फोर। आई थिंक ये ज़्यादा बेटर हो सकता था, लेकिन पॉल कैरिस ने यहाँ किया सी सिक्स, तो क्वीन टेक्स बी टू, और फ्रेंड्स अब शायद मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि बॉबी फिशर तो डेफिनेटली इस गेम को जीतने ही वाले हैं। यहाँ उन्होंने किया किंग सी फाइव, तो क्वीन सी थ्री चेक, और अब वाइट इस चेक को कैसे डिफेंड करेगा अपने रुक से, लेकिन इसके बाद क्वीन ए फाइव चेक, किंग डी फोर, फ्रेंड्स यहाँ
वाइट इस गेम में ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाएगा, लेकिन जो उन्होंने यहाँ आगे किया वो तो कुछ ज़्यादा ही बेकार था। उन्होंने यहाँ किया किंग D5, नो प्रॉब्लम, द G4, रुक C4, क्वीन पर अटैक, और फ्रेंड्स यहाँ पॉल कैरेस अपनी चेकमेट को भूल गए। बॉबी फिशर ने यहाँ किया क्वीन E5 चेक, और इस किंग के जाने के लिए कहीं भी कोई स्क्वायर नहीं बचा है। फ्रेंड्स ऐसी गेम्स को आप बहुत कम देखेंगे जहाँ पॉल कैरेस को चेकमेट देखनी पड़ी हो। और फ्रेंड्स इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं यहाँ कृष्ण सिकेवार भाई का धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इतनी इंटरेस्टिंग गेम के बारे में हम सभी लोगों को बताया। सो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल जैस गुरु को सब्सक्राइब करें, और आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।